लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर रिसोर्सेज फ्रेंड्स एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिसफाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है तो उसकी जो यूटिलिटी जो उसकी यूजबिलिटी है वह उसको रिसोर्स बनाती है हमें जब प्यास लगती है तो पानी पीते हैं घर में बहुत से इक्विपमेंट्स और आर्टिकल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं आपको घर से स्कूल या मार्केट जाना है तो बस टैक्सी या रिक्शा से जाना होता है आपको स्टडी करनी है तो आपको टेक्स्ट बुक्स चाहिए होंगी तो फ्रेंड्स इन सभी सिचुएशंस में जो भी ऑब्जेक्ट आपकी ज़रूरत को आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सभी रिसोर्स हैं जैसे वाटर इलेक्ट्रिसिटी बस टैक्सी रिक्शा या फिर आपकी टेक्स्ट बुक्स और दोस्तों सभी रिसोर्स की एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है उनकी यूजेबिलिटी और यूटिलिटी के बेस पर जैसे जो मेटल्स हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू है मींस उनको यूज़ करने की हमें कीमत चुकानी पड़ती है इन टर्म ऑफ मनी जबकि अगर एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप को हम देख रहे हैं तो हमें कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं देनी है उसके कोई चार्जेस नहीं हैं तो इस तरह से अपनी अपनी जगह पर दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है फ्रेंड्स कुछ रिसोर्स समय के साथ साथ उनकी अवेलेबिलिटी यूटिलिटी या यूज़बिलिटी इनके बेस पर अपनी इंपॉर्टेंस बनाते हैं इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू जैसे कि ऐसी कई आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो हमारे गांव में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी लेकिन उन्हीं को जब प्राइवेट कंपनीज प्रोसेस करके अच्छी सी पैकिंग में मार्केट में लाती है तो उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू हो जाती है दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के कुछ देसी नुस्खे होम रेमेडीज़ होती हैं जिनकी कोई कमर्शल वैल्यू नहीं होती है लेकिन उसी को अगर पेटेंट करवा दिया जाए ठीक है पेटेंट मीन्स एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन ऐसी इन्वेंशन या आइडिया जो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है तो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल फ्रेंड्स टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो किसी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट को रिसोर्स में चेंज करते हैं टेक्नोलॉजी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल्स इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स और दोनों ही टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर रिलेटेड टू नीड्स ऑफ द पीपल जैसे हम कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कैसे ह्यूमंस ने आग जलाना सीखा या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ने आज के फास्ट ट्रांसपोर्ट तक हमें पहुंचाया। एक बैलगाड़ी से लेकर बस कार स्कूटर रेल शिप एंड एरोप्लेन तक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमेंस themselves are the most important resource. दोस्तों ये सब humans की ही तो knowledge, idea, invention और discoveries हैं जो इतने resources create हो सके. as per their needs with the passage of time and technology. अब जैसे hilly terrains में rivers के fast flowing water से electricity का generate करना जिसे हम hydroelectricity कहते हैं is a very important resource and need of the day. चलिए अब बात करते हैं types of resources की. फ्रेंड्स रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज एयर जिसको हम ब्रीद करते हैं वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स सॉइल्स मिनरल्स ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को हम डायरेक्ट uh, कंज्यूम करते हैं और कुछ को यूज़ करने के लिए हमें टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है तो दोस्तों नेचुरल रिसोर्स को उनके लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑरिजन स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है फ्रेंड्स रिसोर्स के डेवलपमेंट एंड यूज़ के बेस पर हम इसको टू ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स एक्चुअल रिसोर्स वह होते हैं जिनकी क्वान्टिट्टी हमें मालूम होती है और प्रजेंट में हम उन्हें यूज़ भी कर रहे होते हैं जैसे कोल्ड डिपोज़िट्स ऑफ रूअर रीजन ऑफ जर्मनी पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया डार्क सॉइल्स ऑफ डेकन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र ये सभी रिसोर्स हमें मालूम हैं और हम इन्हें यूटिलाइज़ भी कर रहे हैं तो इनको क्या कहेंगे एक्चुअल रिसोर्स दूसरा आता है पोटेंशियल रिसोर्स जिन रिसोर्स की हमें क्वान्टी मालूम नहीं होती और ना ही हम उनको यूज़ कर रहे होते हैं बट फ्यूचर में उनको यूज़ किया जा सकता है तो उनको क्या कहेंगे पोटेंशियल रिसोर्स इसको एक एग्जाम्पल से आपको अंडरस्टैंड करवाते हैं जैसे आपके किसी सब्जेक्ट में नाइन्टी परसेंट मार्क्स आते हैं तो वह आपके एक्चुअल मार्क्स हैं बट टीचर्स आपको कमेंट करते हैं कि अगर आप और मेहनत करोगे तो हंड्रेड परसेंट मार्क्स लाने का पोटेंशियल आप में है मींस नाइन्टी परसेंट मार्क्स तो एक्चुअल में आपके हैं बट आप आप अपनी स्टडी टेक्निक्स को एडवांस करके और मेहनत करके हंड्रेड परसेंट मार्क्स ला सकते हैं वो आपका पोटेंशियल है तो दोस्तों हमारे आसपास बहुत से रिसोर्सेज होते हैं जिनको नॉलेज या टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से हम हार्वेस्ट नहीं कर पाते हैं बट फ्यूचर में किए जा सकते हैं जैसे आज से टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड ईयर्स बैक हाई स्पीड विंड्स जो एक रिसोर्स थी पोटेंशियल रिसोर्स लेकिन प्रेजेंटली टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होने से एक्चुअल रिसोर्स है और बड़े बड़े विंड फार्म्स विंड मिल्स को यूज़ करके एनर्जी जनरेट uh, कर रहे हैं और uh, इसको यूज़ भी किया जा रहा है जैसे कि नीदरलैंड में नागिर कॉयल इन तमिलनाडु एंड इवन इन गुजरात कोस्टल एरियाज़ उसी तरह से आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं नदियाँ तो पहले से भी थी ठीक है uh, ये एक पोटेंशियल रिसोर्स था बट आज की डेट में एक्चुअल रिसोर्स है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होने के साथ साथ जहाँ कई वर्षों पहले लाइट नहीं हुआ करती थी आज लगभग हर घर में लाइट फैसिलिटी है अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन। तो फ्रेंड्स रिसोर्सिस को उनके ओरिजिन के बेस पर अबायोटिक एंड बायोटिक दो ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जा सकता है अबायोटिक रिसोर्स आर नॉन लिविंग जबकि बायोटिक रिसोर्स आर लिविंग सॉइल्स रॉक्स एंड मिनरल्स आर अबॉयोटिक रिसोर्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोसेज अब हम बात करते हैं नैचुरल रिसोर्स की तो दोस्तों नेचुरल रिसोर्स को हम ब्रॉडली टू टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं रीन्यूएबल एंड नॉन रीनएबल रिसोर्स रीन्यूएबल रिसोर्स जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि रिसोर्स रीनी हो जाते हैं मीन्स अभी हम इनको यूज़ करते हैं तो फिर से ये हमें अवेलेबल हो जाएंगे कुछ रिसोर्स तो अनलिमिटेड हैं जैसे सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी जो हमेशा हमारे पास है इसके अलावा कुछ रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे सॉइल वाटर फॉरेस्ट हमारे पास हैं तो हैं बट इनको अगर सही तरीके से सस्टेनेबल मैनर में यूज़ ना किया जाए तो इसके स्टॉक में इफ़ेक्ट पड़ सकता है इनकी कमी भी हो सकती है देन नॉन रीनूएबल रिसोर्स जो कि हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है अगर एक बार ये स्टॉक हम एग्जॉस्ट कर लेते हैं इनको फुली यूटिलाइज कर लेते हैं तो थाउजेंड्स ईयर लग जाते हैं इनको फिर से बनने में अब ह्यूमन बीग्स की जो एवरेज uh, एज है वो सिक्सटी टू एटी ईयर्स है मीनस एक आदमी की लाइफ स्पैन में तो ये रीन्यू नहीं हो पाएंगे इसलिए इनको नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है जैसे कोल पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस तो दोस्तों अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर रिसोर्स को टू ग्रुप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है वन यूबिक्विटस सेकंड लोकलाइज्ड जो रिसोर्स हमें हर जगह मिल जाते हैं जैसे कि एयर टू ब्रीथ तो इसे हम यूबिक्विटस सर्वव्यापी रिसोर्स कहते हैं और जो रिसोर्सेज किसी पर्टिकुलर प्लेस पर ही पाए जाते हैं उनको लोकलाइज्ड रिसोर्स कहा जाता है जैसे आयरन कॉपर राइट तो दोस्तों जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है यह बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है क्योंकि अर्थ सरफेस में टेरेंट कंडीशंस क्लाइमेटिक कंडीशंस और ऑल्टीट्यूडनल डिफरेंसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड वेरी करता है एक जैसा नहीं है तो रिसोर्स भी इन सभी कंडीशनस के बेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अब हम बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स की फ्रेंड्स कुछ नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो रिसोर्स तब बनते हैं जब उनको उनकी नेचुरल फॉर्म से चेंज किया जाता है अब जैसे आयरन और की अगर हम बात करें तो अर्थ सरफेस पर अवेलेबल है लेकिन जब तक हमें नॉलेज नहीं था या टेक्नोलॉजी नहीं थी इसको प्रोसेस करके डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करने की तो तब तक ये रिसोर्स नहीं था बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई और हम इसे एक्सट्रैक्ट कर पाए तो दोस्तों जो भी नेचुरल रिसोर्स हम अपने घर बिल्डिंग रोड्स ब्रिजज़ मशीनरी या व्हीकल्स में यूज़ करते हैं वो सभी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं मीन्स ह्यूमस ने इनको इनकी फॉर्म को चेंज किया है और यूजेबल बनाया है जो हमारी टेक्नोलॉजी है ये भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है आपको ये जो वीडियो देखने को मिल रही है सुनने को मिल रही है ये भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है जो कि आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स की फ्रेंड्स पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ़ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सिस वेन दे हैव द नॉलेज स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो इसलिए दोस्तों जो ह्यूमन रिसोर्स हैं यानी कि हम और आप लोग आर द स्पेशल रिसोर्स ह्यूमंस अपनी एजुकेशन रिसर्च या अपने सोचने और समझने की कैपेसिटी से यूनिक रिसोर्स है जो कि इसे बहुत ही वैल्यूएबल बनाता है तो दोस्तों इसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी कहते हैं आप में से कुछ लोग डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट या फिर आ, किसी और फील्ड में अपनी सर्विसेज देंगे अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स तो इस तरह से सभी अपनी एक्सपर्टीज से एक रिसोर्स बनते हैं और दोस्तों सभी ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं अगर फॉर एग्जांपल कि अगर हम फार्मर हैं तो सभी के लिए फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करेंगे और हमारी हेल्थ का ध्यान डॉक्टर्स रखेंगे हमें इंजीनियर्स टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे साइंटिस्ट हमारे लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाई एल्ड वेराइटीज़ के सीड्स प्रोवाइड करेंगे ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके ट्रांसपोर्टर्स अनाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमारी हेल्प करेंगे तो इस तरह से एक चेन बनती है और एक दूसरे के लिए हम रिसोर्स बनते हैं सो ह्यूमन बींग्स आर द स्पेशल रिसोर्स अब हम बात करते हैं कंजर्विंग रिसोर्स फ्रेंड्स यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रीन्यूड इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन दोस्तों जितने भी रिसोर्स हैं उनको हमें यूज़ तो करना है बट ओवर यूज़ नहीं करना है उन्हें आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखना है तो इस तरह से जो बैलेंस्ड डेवलपमेंट है उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं मीन्स केयरफुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रजेंट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन तो दोस्तों हम सभी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं रिसोर्सेज की कंजम्पशन को रिड्यूस करके उनको रिसाइकल करके उनको री करके जैसे हम पेपर्स को यूज़ करते हैं जो कि पेड़ों से बनते हैं लेकिन आ, इन पेपर्स को रिसाइकल किया जा सकता है रीयूज़ भी किया जा सकता है इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी को हम सेव कर सकते हैं उसकी जगह पर सोलर पावर या विंड एनर्जी को यूज़ किया जा सकता है राइट व्हीकल्स को नीड बेस्ड ही चलाया जाए तो इससे भी हम अपने रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं राइट फ्रेंड्स देर आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाइक Respect and care for all forms of life, improve the quality of human life, conserve the earth's vitality and diversity, minimize the depletion of natural resources, change personal attitude and practices toward the environment, and enable communities to care for their own environment. So, friends, thanks for watching the video and uh, subscribe to our channel for more videos. Thank you. Thanks a lot.